हमारे कहा था ना एक अकेला छप्पर भारी, ये 38 क्या करने आए। खड़ी हो गई खाट है 24 में तुम्हारा, 24 में तुम्हारा, अगर न करते महंगाई तो चुन के आते दोबारा। खड़ी हो गई घाट है 24 में तुम्हारा, 24 में तुम्हारा, करती अब तक नहीं निकाली। समझ रहे हैं हम भी तेरी हर मक्कारी, ईडी और सीबीआई के डर से भागा पवार हमारा। खड़ी हो गई खाट है 24 में तुम्हारा, 24 में तुम्हारा। ये जो खाट खड़ी हो गई है ना उसकी मीटिंग चल रही है। कलीम जी लाइन। अरे यार इब्तिदा इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखते जा होता है क्या। ये जान रहे हैं कि एक अकेला सब पर भारी, तो जब अकेला ही सब पर भारी था तो 30 दलों का दलदल लेकर के क्या मीटिंग करने की जरूरत पड़ गई भाई। ये तो प्रश्न उठना चाहिए कि जब एक अकेला सब पे भारी है तो 30 पार्टियों का जो है दलदल लेकर के बैठना, फिर तो ये सवाल पैदा होता है ना। 38 तो वही बोल रहे। आप बताइए कि साहब ने हमारे कहा था ना एक अकेला सब पर भारी, तो ये 38 क्या करने आए हैं। वो पार्टियां मोदी जी भरोसा जता रही हैं कि मोदी जी हैं तो देश सुरक्षित है, महफूज है, इसलिए जा रहे हैं। इसके पहले क्या था, इसके पहले क्या खतरे में थे हम, पहले विपक्ष खोखले थे, बीजेपी कह रही है। अरे उस लिए नहीं है, मैं आपको अपने लाइन के माध्यम से बता देता हूँ कि ये मीटिंग किस लिए है। पता है क्या किस लिए ये मीटिंग है? खड़ी हो गई खाट है 24 में तुम्हारा, 24 में तुम्हारा, अगर न करते महंगाई तो चुन के आते दोबारा। खड़ी हो गई खाट है 24 में तुम्हारा, 24 में तुम्हारा। आज देश का युवा क्या मांग रहा है सरकार से? नौकरी भर्ती मांग रहा है, जो आप सबको पता है। ये जो देखने वाले देश की जनता है वो खुद देख रही है कि हमारे देश का जो युवा है सुबह 4 बजे 5 बजे अपनी नींद हराम करके गांवों की सड़कों पर भागता है, दौड़ता है कि ताकि भर्ती मिले हमको। तो युवा मांगे भर्ती अब तक नहीं निकाली, समझ रहे हैं हम भी तेरी हर मक्कारी, ईडी और सीबीआई के डर से भागा पवार हमारा। खड़ी हो गई खाट है 24 में तुम्हारा, 24 में तुम्हारा। तो ये जो खाट खड़ी हो गई है ना उसकी मीटिंग चल रही है। कलीम जी लाइन। राहुल गांधी की सदस्यवाल होगी। हाँ राहुल गांधी की सदस्यवाल। अरे यार इब्तिदा इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखते जा होता है क्या। मैं बता तो रहा हूँ। मिलता कहाँ से है ये सब? ये लाइनें आपको मिल लिख के मिलता? ये लाइनें हमें जो है हमारे जनता जो है, हम जनता हैं, हम कोई नेता थोड़ी है। अच्छा, तो जनता के बीच में रहते हैं, उन्हें दर्द देख करके हम उनके दर्द को अपने लाइनों के माध्यम से हम उस जनता तक पहुँच जाते हैं। महंगाई के लिए मियाँ जिम्मेदार, बीजेपी सीएम ने कहा, FIR भी दर्ज हुई है। हाँ तो वो देखिए एक बात बताऊं, जिसका आपने नाम लिया है मैं तो उसका नाम लेने से ही मैं अपने आप को नाम नहीं लिया बीजेपी, मैं इसीलिए नाम मत लीजिए क्योंकि उसका नाम अगर मैं लूँगा ना तो मेरा खुद का तौहीन हो जाता है जिसकी आप बात कर रहे हैं। क्योंकि बीजेपी ने उसी नेता का पूरा बुकलेट जारी करके भ्रष्ट बताया था, भ्रष्टाचार में लिप्त बताया था, और बाद में अपनी पार्टी में शामिल करा करके उसे मुख्यमंत्री बना दिया। तो ये बताइए ये कहाँ था। हम जनता बेवकूफ़ हैं, हम सब देखते रहते हैं। इस बार जो है लड़ाई जो है जनता बनाम सत्ता है, और सत्ता जो है जनता जो है सत्ता की जो कुर्सी के धागे हैं ना वो खोल देगी। लेकिन बीजेपी कह रही है कि विपक्ष ढहा जाएगी लोकसभा आते आते। विपक्ष जनता है तो जनता को कैसे ढहाएंगे ये जाके पूछिए आप। इस बार विपक्ष जनता है। 5 किलो अनाज दे रहे हैं जनता, खुश हो जाएगी। आप खा के जी रहे हैं 5 किलो अनाज, हम जनता तो रोजगार मांग रहे हैं, और वही 5 किलो राशन की झोली में है ना
इस बार उस सत्ता को ऐसे डाल के पैक करके हम जनता बांध के दे देंगे। जाओ। अच्छा सुनिए, मोदी जी कह रहे हैं बेंगलुरु में जो बैठे हुए हैं विपक्ष, वो भ्रष्टाचार मोर्चा है। कौन? तो ये नहीं, मोदी जी से ये नहीं पूछे कि आपने अजीत पवार को भी भ्रष्टाचारी बताया था और जिस नेशनल जो एनसीपी पार्टी है उसको नेशनल करप्ट पार्टी भी कहा था प्रधानमंत्री ने। तो प्रधानमंत्री से आप जाके पूछ के आइए कि उनके जिसमें भ्रष्ट जो लोग थे उसमें सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड आदमी हसन मुशरिफ था, पता होगा जो कितनी बार रेड गिरी थी। तो उनसे जाके पूछिए ना कि क्यों इन भ्रष्टाचारियों को आपने शपथ दिलाई। लेकिन कह रहे हैं कि जब वो बीजेपी में आ गए तो अब नहीं करेंगे। वॉशिंग मशीन है ना, वॉशिंग मशीन है। देखो सब मुकुल रॉय नहीं होता, मुकुल रॉय थोड़ा सियाना निकल गया, वो अपना सारा केस इधर उधर करा करके फिर भाग गया टीएमसी में। तो यही हो रहा है। अजीत पवार ने भी पता है ना, रात को 4 बजे शपथ लिया था, आपको पता है, और उसके बाद सुबह में पता चला कि शपथ ग्रहण जो है ख़त्म। अच्छा, क्या खिचड़ी पकड़ी है? किस में? चाचा से मिलने पहुंच गए हैं पवार। अब देखिए चाचा, वो रिलेशन अलग हो जाता है, पॉलिटिकली एक अलग होता है। मैं बार बार जनता से भी जो भी मिलता हूँ मैं कहता हूँ कि देखिए आप लोग पार्टियों के नाम पर मत लड़िए। कोई अंधभक्त है, कोई किसी और पार्टी का अंधभक्त है, कोई किसी और पार्टी का अंधभक्त, सारी पार्टियों में। तो लेकिन वो मतलब हम जनता का जो हम बैठते हैं चाय की दुकान में बहस कर लेते हैं, तो उनका हमारा उनको यही कहना है कि हमारा और आपका पॉलिटिकल मतभेद है, भाईचारा मनभेद नहीं है। तो पॉलिटिकल मतभेद रहना चाहिए पर भाईचारे में मनभेद न लाइए, ये मेरा कहना है। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि मोदी है तो देश सुरक्षित हाथों में है, 370 370 मोदी है तो देश इतना सुरक्षित हाथों में है कि अरुणाचल में चीन घुसते चला आ रहा है और जो है सरकार को फिक्र नहीं है, हैं, सुरक्षित हाथों में है ना। तो अगर देश सुरक्षित हाथों में है तो मणिपुर इतना महीने तक जला क्यों, जाके पूछिए जो सुरक्षित हाथों में बता रहे हैं। मोदी जी का डंका तो बज रहा है ना विदेश में। मोदी जी का विदेश में डंका बज रहा है, किस हिसाब से? मीडिया में देख रहे हैं आप। जो हम जनता पूछ रहे हैं कि रोजगार कहाँ है वो डंकापति बनाने चला था मुझे लखपति, तेरा झोला देख ले तैयार हो गया, सुना है कि तू बेवफा हो गया। तो हमसे प्रधानमंत्री जनता से बेवफा है, इसलिए वो उसको पता है प्रधानमंत्री को कि खटिया खड़ी है, तो इसलिए आज 38 दल लेकर के मीटिंग कर रहे हैं। ये दल नहीं दलदल है, इस दलदल में सरकार डूब जाएगी। 15 लाख रुपए मिलेंगे 2024 से पहले लोकसभा चुनाव से? किसको? आपको मिल रहे हैं ना? अरे जनता आप हो मीडिया वाले, हम जनता तो आज रोज खाना रोज मरना हो गया है हमको, रोज जीते हैं रोज मरते हैं हम जनता। आज जो जनता जो 400-500 रुपए कमा करके घर पे जाती है और हम जनता क्या करते हैं, पैंट उतार करके हैंगर में पैंट टांग देते हैं और जब सुबह में वही पैंट पहन के जेब में हाथ डालते हैं पैसा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि महंगाई इतनी है तो 500 रुपए की वैल्यू नहीं दिख रहा आपको सड़कों पर? विकास पागल होकर के बहुत तेजी से दौड़ता हुआ दिख रहा है हमें। अरे तो चिल्ला के कह रही है विकास पागल होकर के बहुत तेजी से दौड़ता हुआ दिख रहा हमें। कलीम साहब, इस देश को तरक्की 18-18 घंटा मोदी जी काम करके कर रहे हैं। हाँ सही कहे, इस देश को तरक्की 18-18 घंटा काम करके ऐसा मिल गया कि एयर इंडिया बिक गया, सेल भी सेल गया, भेल गया, रेल गया, क्या नहीं गया। और लाल किला तक हमारी सरकार उसको मेंटेनेंस नहीं रख सकती है, वो भी दे दिया। तो अब क्या कहें हम? तो वही बोलते हैं ना कि सत्ता सच सुनने की आदत बेच देती है। अच्छा, और हया को शर्म को आखिर सियासत बेच देती है, और निकम्मेपन की बेशर्मी की अगर आँखों में चढ़ जाए तो औलादे पुरखों की विरासत बेच देती है। आप बार बार ये बात कह रहे हैं, देख रहे हैं मीडिया में क्या चल रहा है। मीडिया में है तो मुमकिन है, मीडिया में बदल गया। देखो मीडिया आज आज मीडिया है, आज मीडिया है, मीडिया कॉइन बॉक्स है। उसमें जित पहले हमारे पान की दुकान पर कॉइन बॉक्स लगता था, उसमें 1 रुपया डालो 1 मिनट का टॉक टाइम देता था। आज जो है डिजिटलाइज हो गया है, अब जितना टॉक टाइम सत्ता डालती है उतना ये टॉक टाइम देते हैं। हम जनता का सवाल कहाँ है बताइए? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिला सुरक्षा गारंटी, ये सवाल हम पूछ रहे हैं। तो हमें तुम जो है गलत भी बोला जा रहा है, ये बताइए अभी राजस्थान में किसी की भी सरकार हो
पर एक बच्ची को जो है गोली से मारा गया।